हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने नीट 2023 में पार्टिसिपेट किया था, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में जो 2023 के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी, उसका जो शेड्यूल है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो नीट काउंसलिंग 2023 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग कब होगी, ठीक है, जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो कब रिलीज होगा, और कब स्टूडेंट जो हैं उनको एडमिशन के लिए जो कॉलेजेस हैं वहां पर जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो स्टेट वाइज काउंसलिंग प्रोसेस है, वो लगभग 4 राउंड में कंप्लीट होगी। काउंसलिंग प्रोसीजर है वो लगभग 1 से 1.5 महीने तक चलेगा, ठीक है। जैसे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 26 जुलाई 2023 को रिलीज हुआ है, तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लगभग अगस्त 2023 तक चलेगी। राउंड के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जैसे काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो 4 राउंड में कंप्लीट होती है, लेकिन अगर आप मतलब फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले, तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आप फर्स्ट राउंड में ही करवा दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो मध्य प्रदेश नीट काउंसलिंग 2023 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, और लगभग ये जो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 31 जुलाई 2023 तक होगा। और फर्स्ट राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग है, जिसमें बेसिकली आप जो भी कॉलेजेस हैं उनमें चॉइस फिलिंग करोगे, तो वो जो है वो 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक कंडक्ट करवाई जाएगी। चॉइस फिलिंग जो है वो 4 अगस्त 2023 को कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका जो रिजल्ट है कि आपको कौन से कॉलेज में जो सीट है वो अलॉट हुई है, वो आपको 7 अगस्त 2023 को रिजल्ट जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आपको मध्य प्रदेश का कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ। फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसमें आप 8 जुलाई 2023 से लेकर 14 जुलाई 2023 तक अपना जो एडमिशन है वो कंटिन्यू करवा सकते हैं। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आप मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट होगी। उसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आपको मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर देखने को मिलेगी।